कैसे कहूँ, क्या कुछ कहना है? हाँ बापूजी। क्या गांव का चक्कर मार के आई है? गांव में चक्कर? गांव क्या बगीचा है? जाऊंगा लेकिन 2 महीने बाद जाऊंगा। तभी वापस जाना? नहीं मतलब बापूजी, क्या है सावन का महीना है पता है तो गांव में मेला लगेगा, माँ पूजा होगी। हाँ अले अले, ये तूने अच्छा याद दिलाया, गांव तो जाना ही चाहिए। तो टिकट बुक कराऊं? हाँ करा ले, 4 टिकट बुक करा ले। आपके अकेले के लिए 4 टिकट क्यों? ये बबू चक, हम सब जाएंगे। बहू जी, बापू जी, हम सब गांव जा रहे हैं, तैयारी करो। बापू जी, हम सब की क्या जरूरत है? क्यों, तुझे माँ पूजा का लाभ नहीं उठाना है? मुझे यहाँ लाभ उठाना है। क्या लाभ? दुकान का लाभ? दुकान में जो धंधा होगा उसका लाभ छोड़ के मैं गांव कैसे जा सकता हूँ बापू जी? फिर आपका काम कौन संभालेगा? क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? मींस के आपका खाना पीना कौन करेगा? ओ उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब हो जाएगा। ठीक है बापूजी, हम जाएंगे। नहीं जाएंगे हम। क्यों? अरे टप्पू की स्कूल चालू है और परीक्षा भी नजदीक है। हाँ ये बराबर है, टप्पू की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है बापूजी, तो आप चले जाओ, 1 टिकट निकालता हूँ। नहीं, टप्पू की छुट्टियों में हम सब साथ जाएंगे। अरे बाप रे, कुछ सोचना पड़ेगा वरना कल रात ताश कैसे खेलेंगे। एक काम करता हूँ, सोटी हाथी रसिक से मीटिंग करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। हेलो मासीबा। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। अरे टप्पू के पापा। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। आज मेरी मासीबा की रितु का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है तो मैं दुकान जाते जाते रास्ते में से चॉकलेट खरीद के खा लूंगा। अरे उन्होंने हमें आज रात को उनके घर पर खाने के लिए बुलाया है। आज ही बुलाया? अरे आज बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आज ही उसका हैप्पी बर्थडे है। मैं नहीं आ सकता? हाँ, हमेशा मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाने का होता है तो आप मना ही करते हैं, और अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने का होता है तो हंसते चले जाते हैं। क्या पहनूंगे, ये पहनूंगी, वो पहनूंगी। मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, आज रात मुझे दुकान में काम है। या भाई, जन्माष्टमी में रात को दुकान में क्या काम है? टीवी की जगह मटकियां बेचने वाला है? अरे भाजू वटने। नहीं बापूजी। तो क्या दुकान धोने वाला है? नहीं बापूजी। अरे तो काम क्या है बताना। मैं बताती हूँ बापूजी, इनको पूरी रात और कोई काम नहीं, दोस्तों के साथ मिलकर ताश खेलना है। ताश? ताश खेलते है? अरे भूल गया, बचपन में एक दिन तुझे ताश खेलते हुए पकड़ लिया था तो भैंस के साथ बांध दिया था। अच्छा अब पता चला ये भैंस से इतना डरते क्यों है। पर बापूजी आपको यहाँ कहाँ भैंस मिलेगी? चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मुझे बांध देंगे बस। चुप रे, बहू क्या भैंस है? खबरदार खबरदार, जो ताश खेलने गया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। जा चुपचाप बहू के साथ खाने पे जा। बापू जी ये क्या हर बार आप मुझे डांटते रहते हैं, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? तो ठीक से बड़ा भी तो नहीं हुआ है। तो पापा, पापा क्या है? टप्पू को दही हांडी के लिए चंदा चाहिए। अच्छा ये ले। ये क्या सिर्फ 50 रुपए? ज्यादा है? नहीं नहीं और ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप टप्पू के पापा हो। तो क्या गुनाह किया मैंने? ये चाहिए तो रख वरना वापस दे। दादाजी
अरे मेरा टपूड़ा, चिंता मत कर बेटा, अच्छे काम के लिए पैसे मिल ही जाते हैं, नेक काम कभी नहीं रुकता, समझा? हाँ जी जेठा भाई बोलिए, क्या हाल है? वो मैंने बंदोबस्त कर दिया है। बंदोबस्त? किस चीज का बंदोबस्त जेठा भाई? अरे अपना ताश खेलने का बंदोबस्त। मेरा एक दोस्त है चौकसी, उसका बंगलो बिल्कुल खाली है, मैं अभी वहीं से बोल रहा हूँ। देखो मेहता साहब, मैंने आपको वो इसलिए किया है कि आप मैंने पिछले साल की तरह लाल शर्ट पहन के आना। लाल शर्ट? अरे आप समझे नहीं मेहता साहब, पिछले साल आप लाल शर्ट पहन कर आए थे तो मैं कितना जीता था, वो मेरे लिए गुड लक है। अरे जेठालाल, लेकिन वो शर्ट मैंने लॉन्ड्री में दे दिए दोस्त। अरे ये क्या कर रहे हैं मेहता साहब आप? अच्छा काम करो तो लाल पैंट पहन कर आना बस। अरे जेठा भाई, कभी कोई लाल पैंट भी पहनता है क्या? अच्छा तो अंजलि भाभी की लाल लिपस्टिक अपने जेब में रख के आना, वो तो आप कर सकते हैं ना। अब ये लिपस्टिक कहाँ से बीच में आ गई? नहीं इसका मना मत करना, देखो मेरे लिए गुड लक है प्लीज, वो आप जेब में रख के आना प्लीज। हाँ तो शाम को मिलते हैं इधर चौकसी के बंगलों पे, और देखो सबको बता देना, सोधी हाथी भीड़े सबको, और वहाँ वो रसिक सटोड़िया को भी, मैं इसका एड्रेस है ना आपको SMS करता हूँ। ओके okay.